पेट्रोलियम डिवीजन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 35 रुपये फी लीटर तक इजाफे की सिफारिश कर दी। हंगामी बुनियादों पर तैयार की गई समरी में पेट्रोल 27 रुपये और हाई स्पीड डीजल 35 रुपये फी लीटर तक महंगा करने की सिफारिश की गई। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक कीमतें बरकरार रखी गईं तो 30 जून तक तकरीबन 200 अरब रुपये से ज़ायद का बोझ हुकूमत को बर्दाश्त करना होगा। पेट्रोलियम डिवीजन ने पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत के पेश नज़र हंगामी बुनियादों पर समरी काबीना को अरसाल कर दी। पेट्रोल फौरी तौर पर 27 रुपए और हाई स्पीड डीजल 35 रुपए फी लीटर तक महंगा करने की सिफारिश की गई है। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक कीमतें बरकरार रखने से 30 जून तक तकरीबन 200 अरब रुपए से जायद का बोझ हुकूमत को बर्दाश्त करना होगा। समरी के मतन के मुताबिक 1 मार्च से 31 मार्च तक कीमतें बरकरार रखकर 11 अरब 73 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई। वजारत तवानाई ने अप्रैल के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को सब्सिडी की मद में 55 अरब रुपए की समरी ECC को भिजवाई थी, लेकिन ECC ने अप्रैल के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को सब्सिडी की बाजाबता मंजूरी नहीं दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने रवां माली साल में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद न बढ़ने का ऐलान कर रखा है। वज़ारत तवानाई ने वफाकी कबीना को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आलमी मंडी के मुताबिक तय करने की तजवीज़ दी है। ओगरा की भी तजवीज़ है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का बोझ सार्फीन पर डाल दिया जाए, पेट्रोलियम लेवी और सेल्स टैक्स की शरह जीरो ही रखी जाए। प्राइस डिफरेंशियल क्लेम के 22 ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को माली मुश्किलात का सामना है। रमजान मुबारक।